इस सेशन में हम लोग एक ईआर डायग्राम को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इस ईआर डायग्राम को। ओके, तो अगर यहाँ ईआर डायग्राम देखें तो ये वन टू मेनी मैपिंग है, जिधर एरो होता उधर वन, जिधर एरो नहीं होता उधर मेनी। ओके, तो अब इसमें कई केस होंगे, तो पहला केस देखते हैं इफ बोथ साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब चाहे ईवन साइड की एंटिटीज हो और चाहे ई टू साइड की एंटिटीज हो, ओके, पूरी की पूरी एंटिटीज दोनों साइड की, ओके, रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, अब यहां पर मैंने लिया है ईवन की कुछ तीन एंटिटीज और ई टू की चार एंटिटीज। रिलेशनशिप जो इनके बीच में बन रही है वो मैंने कहा ए वन, अच्छा ये वन टू मेनी है, वन टू मेनी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंटिटी सेट ईवन की जो एक एंटिटी है वो एटमोस्ट एम के साथ एसोसिएट कर सकती है। ओके, मतलब जीरो टू एनी नंबर, और एंटिटी सेट ई टू की एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट ई वन। ओके, तो ये हमने कहा मतलब ए वन की एक से ज्यादा से भी एसोसिएट कर सकती है जीरो और एनी नंबर। तो मैंने कहा सपोज करो ए वन है वो दो के साथ एसोसिएट कर रही है, बी टू और बी थ्री के साथ। ओके, और जो ए टू है वो एसोसिएट कर रही है बी फोर के साथ। ओके, अब बी टू की एसोसिएट कर रही कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट वन, तो बी टू ने एटमोस्ट वन से कर लिया, बी थ्री ने वन से कर लिया, बी फोर ने वन से कर लिया, बी वन ने किसी से नहीं किया। तो इसका मतलब इधर मिनिमम कितना कार्डिनलिटी है जीरो और मैक्सिमम कितना है वन, और इस साइड में मिनिमम कितना है जीरो मैक्सिमम कितना है टू। मिनिमम अगर कार्डिनलिटी वन होती तो वो टोटल पार्टिसिपेशन होता, चूंकि मिनिमम दोनों साइड जीरो है इसका मतलब बोथ साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, अब इस सिनेरियो को देखें तो रिलेशनशिप में कितने अकरेंसेज आ रहे हैं रिलेशनशिप के, एक दो तीन। ओके, मैंने इसी को रिप्रेजेंट किया है ये टेबलर फॉर्म में। ईवन के लिए ये टेबल है ए वन ए टू ए थ्री, तीनों डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटी वो थे, क्यों? क्योंकि ए प्राइमरी की थी, उसी के नाम पे मैंने वो एंटिटी अकरेंस बना दिए। ओके, जबकि एंटिटी अकरेंस पूरा का पूरा एक सारी प्रॉपर्टीज एक रो की वो मिला के एक एंटिटी अकरेंस होता है। ओके, तो यहां पर ए वन डी वन, मतलब चूंकि डी इसका नॉर्मल एट्रीब्यूट है तो फिर वो मैंने डुप्लीकेट कर दिया है एक ये टेबल इसकी। ईवन में तीन एंटिटी अकरेंस थे, तीनों ये हैं, ई टू में चार एंटिटी अकरेंस है, चारों ये हैं। रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए वन बी टू ए वन बी थ्री ए वन बी टू ए वन बी थ्री एंड ए टू बी फोर ए टू बी फोर। ओके, और सी चूंकि रिलेशनशिप सेट का अपना एट्रीब्यूट था तो वो, और वो की नहीं है तो वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। तो नल वैसे नहीं होगा जनरली, क्योंकि रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप का कुछ तो नाम होगा ही होगा। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये रिलेशनशिप को भी कर दिया। तो यहाँ अगर देखें तो इसकी प्राइमरी की ए है, इसकी प्राइमरी की बी है, वो तो गिवन ही थी इवन ई टू में। रिलेशनशिप की जब प्राइमरी की बात आती है तो कहता है प्राइमरी की ऑफ रिलेशनशिप होगी प्राइमरी की ऑफ मेनी साइड एंटिटी सेट। अब मेनी साइड कौन सा है इसमें? ई टू वाला। ओके, तो अगर ई टू वाला है तो इसीलिए देखो बी को प्राइमरी की बनाया गया। अब चूंकि इन तीनों टेबल को इंटरकनेक्टेड करना है, टेबलर फॉर्म है, रिलेशनल मॉडल है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्या कहा, ए फॉरेन की है और रेफरेंस कर रही है, रेफर कर रही है ई वन को, बी फॉरेन की है रेफर कर रही है ई टू को। ओके, तो यहां पर तीन टेबल लग रही है। क्वेश्चन है कैन वी कन्वर्ट इट टू टू टेबल्स ओनली विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन? आंसर है यस।
क्या कॉन्सेप्ट होता है? कहता है कि रिलेशनशिप को मर्ज कर दो किस साइड में, मेनी साइड में। ओके, इसका मतलब ई टू साइड में मर्ज करोगे अब की बार, एक ही चॉइस है। जबकि वन टू वन में क्या था, आप किसी भी साइड में मर्ज कर दो, चाहे ई वन साइड में चाहे ई टू साइड में रिलेशनशिप को। तो यहां पर हमने इसका एट्रीब्यूट अपना एक था सी, तो वो एट्रीब्यूट सी ले लिया। ई टू में मर्ज कर रहे हैं तो बी और जी इसके उसके टेबल के एट्रीब्यूट हो गए, और ए एट्रीब्यूट तुम्हें इस टेबल का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल इंटरकनेक्टेड हैं, वो शो करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए। तो ये टेबल तो एज इट इज आ गई। अब जब ये टेबल मैंने इन दोनों को मर्ज किया, तो सबसे पहले क्या किया कि ये तीनों टपल इनको कॉपी किया, क्या a1 b2 c1 तो b2 के रेफरेंस में g2 है, g2 ले आया यहां पर, a1 b3 c1 और b3 के रेफरेंस में g1 है, ये g1 ले आया, a2 b4 c2 b4 के रेफरेंस में g2 है, ये g2 ले आया। ओके, अब एक बात देखना जरा सा, अभी भी ये जो ये वाला मींस b1 के रिस्पेक्टिव b1 g1 है, वो इन्फॉर्मेशन अभी इसमें नहीं आई, जबकि इन दोनों टेबल को जब मर्ज कर रहे हो तो बी वन जीवन टपल भी दिखना चाहिए। ओके, तो इसीलिए बी वन जीवन को हम लेके आए, लेकिन बी वन जीवन के रिस्पेक्टिव ये इधर वैल्यूज नहीं थी, क्योंकि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जब रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये वाला, ये सी वाले कॉलम के रिस्पेक्टिव उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि सी एट्रीब्यूट तो रिलेशनशिप का था। ओके, और इसी वजह से एक ही भी कोई वैल्यू उसको नहीं मिलेगी, तो जहां वैल्यू नहीं है वहां नल कर दिया। आप देख सकते हो इस टेबल में प्राइमरी की तो एक ही कोई इशू नहीं, और इस मर्ज दो टेबल को जब मर्ज किया, ओके, तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, ये बी में सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। ओके, अब चूंकि इसको प्राइमरी की बना सकते हो, कोई भी वैल्यू लॉस नहीं हुई है, तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी यहां पर है, इसका मतलब दो टेबल में कन्वर्जन पॉसिबल है, और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी आप और लगा दोगे, दोनों को टेबल को इंटरकनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट है, कैन वी कन्वर्ट इट टू वन टेबल ओनली, जो यहां पर तीन टेबल से दो में आए हैं, क्या तीन से सीधे वन में जा सकते हैं? तो यहां पर भी मैंने वही किया है कि ये जो तीन मेरे रिलेशनशिप के अकरेंसेज हैं, ओके, या तीन टपल हैं, इन तीन टपल के रिस्पेक्टिव ये इंफॉर्मेशन पहले फिल की। ओके, तीनों को मर्ज करके, चूंकि यहां टोटल पांच एट्रीब्यूट है, तो पांच एट्रीब्यूट कॉल इसमें आ गए, कॉलम बन गई उनकी, और ये तीन टपल सबसे पहले इनको फिल किया। अब इसके बाद, तीन के बाद अगर आप देखो, ए थ्री किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो ए थ्री के रिस्पेक्टिव एक टपल बनना चाहिए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, लॉस हुआ अगर इन्फॉर्मेशन का तो वैसे भी यूजलेस है ये। और इसके बाद अगर आप देखो, बी वन के रिस्पेक्टिव कोई बी वन ने रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये बी वन की हो गई और ये ए थ्री की हो गई। बी वन और जी वन किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जो बाकी एट्रीब्यूट है नल फिल किया जाएगा। ए थ्री डी टू वो भी किसी में पार्टिसिपेट, तो जहां पर नहीं है वहां नल फिल किया जाएगा। अब यहां आप देख लो, पहले इस टेबल का अलोन एट्रीब्यूट ए था, इस टेबल का अलोन एट्रीब्यूट मतलब जो प्राइमरी इस टेबल के प्राइमरी की ए एट्रीब्यूट ए था, इसका बी था, ओके, रिलेशनशिप का मेनी साइड वाला था, इस टेबल में अकेला बी ही था, लेकिन यहां पर आप देख लो, अलोन ए प्राइमरी की नहीं बन सकता, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, अलोन बी प्राइमरी की नहीं बन सकता, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, और ए बी के अलावा अगर ए बी को दोनों को मर्ज भी कर दो, तब भी प्राइमरी की ए बी की नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी डोमेन में नल वैल्यू है। इसका मतलब इस टेबल में आप प्राइमरी की बना ही नहीं सकते हैं, एंड देयरफोर द आंसर इज, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन टेबल ओनली, द आंसर इज नो। तो मिनिमम टेबल जो लग रही हैं वो कितनी लग रही हैं? दो टेबल में ये कन्वर्जन पॉसिबल। अब हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केस टू एंड थ्री। केस टू एंड थ्री क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन एट वन साइड, वन साइड का मतलब ये वन वाली साइड। ओके, कहता अगर टोटल पार्टिसिपेशन इस साइड में है, या एक अगर सिर्फ इस साइड में है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी लगेंगी? एक टेबल में ही सारा काम हो जाएगा,
एक टेबल में इस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट किया जा सकते हैं। तीसरा केस, केस थ्री, अगर टोटल पार्टिसिपेशन है वन साइड भी और मेनी साइड भी, ओके, उस केस में भी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस ईआर डायग्राम टू टेबुलर फॉर्म इज वन। ओके, तो इसको मैं एक बार इस वन वाले केस को दिखा देता हूं कि कैसे हो रहा है पहले। ओके, तो हम ये वन साइड वाला केस देख रहे हैं। सपोज करो आप कह रहे हो कि इधर ये टोटल पार्टिसिपेशन है, तो हमने ये टोटल पार्टिसिपेशन बना दिया। अगर टोटल पार्टिसिपेशन आपने बना दिया है और मैं क्या कहता हूं, टोटल दिखाने के लिए रिलेशनशिप तो अभी भी वन टू मेनी है, पार्टिसिपेशन बस टोटल हुआ है, तो मैंने ये क्या कर दिया, इसके लिए आप सपोज करो मेरा डायग्राम ये है, तो परफेक्ट डायग्राम है, वन साइड में टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब एंटिटी ए थ्री है ही नहीं, जितनी भी एंटिटीज इसमें हैं ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है कुछ, अगर ये कुछ नहीं है तो मींस अब और रिलेशनशिप में तीन ही टपल हैं, क्योंकि अभी भी वही सिनेरियो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो तीन टेबल में तो कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है कैन वी कन्वर्ट इट इनटू टू टेबल्स ओनली, तो यहां पर अगर देखें तो ये हटा देंगे हम इसको इस तरह से, ओके, ए टू डी वन सिर्फ रह जाएगा क्योंकि ए थ्री वो तो उसमें टपल ही नहीं है। ओके, अब अगर यहां से आगे देखें तो क्या सिनेरियो बन रहा है, ए वन ए टू के रिस्पेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन थी पहले वो फिल कर दी, और इसके बाद चूंकि बी टू बी थ्री बी फोर इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ बी वन ने नहीं किया था, तो बी वन के लिए हमने क्या कर दिया, बी वन के लिए यहां पर एक टपल क्रिएट कर दी, तो और यहां भी देखो अभी भी प्राइमरी की बन रही है क्योंकि सारी वैल्यूज यूनिक है और नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दो टेबल में भी कन्वर्जन पॉसिबल है, बाकी सब कुछ फॉरेन की वगैरह सब वैसे ही है। नाउ कैन वी कन्वर्ट इट टू वन टेबल ओनली, क्या एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से वही पूरी स्टोरी, जितने एट्रीब्यूट हैं इसमें दो एक दो चार एक पांच, पांच के पांचों इसमें आ जाएंगे, पांच कॉलम हो जाएगी। ओके, अब अगर देखें तो पहले रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए तीन रोज ये फिल कर दी, इसके बाद ये B1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो B1 के लिए कर दिया, अब ये A3 वाला ये रो है ही नहीं। ओके, अब चूंकि ये रो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जो ये मेनी साइड का जो एट्रीब्यूट भी था वो प्राइमरी की है। क्यों प्राइमरी की है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज यूनिक हैं और इसकी डोमेन में नल नहीं है। ओके, और ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो सकता है कि अगर ये पार्टिसिपेशन इस साइड में टोटल है उधर मीन्स नॉर्मल है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो हमेशा ये सिनेरियो आपको मिलेगा ही। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन एट वन साइड है तो भी आप एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड में है, वन एंड एम दोनों साइड में, सपोज करो ये सिनेरियो, तो मैं ये यहां से हटा दूंगा। अब देखो इधर कितना है, इधर मिनिमम वन है और मैक्सिमम वन है। अगर ऐसा हुआ मतलब आपने बी वन हटा ही दिया है, अब बी वन हटा दिया इसका मतलब ये टपल नहीं है। ओके, ये टपल नहीं है, सिनेरियो ये है। ओके, अगर सिनेरियो ये है तो उनका कन्वर्जन तो ये हो गया, मतलब अगर सिंपल इतना कन्वर्जन करें तो ये हो गया। जब दो टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल इंस्टांस यहां पर ही नहीं है, वो B1 टपल इसमें ही नहीं है, तो फिर यहां भी नहीं रहेगा। ओके, और ये सिनेरियो बनेगा मर्जिंग का, तो यहां पर A1 A1 A2 B अभी भी इसकी प्राइमरी की रहेगी, तो दो टेबल में देखो कन्वर्ट हो ही रहा है। अब चूंकि B भी नहीं है उसमें, तो ये भी हटा दोगे और ये हटाओगे, तो यहां अभी भी देख लो कि बी वाला क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, अभी भी ये प्राइमरी की बन रही है। ओके, एंड देयरफॉर यहां पर भी क्या बोलेंगे, यहां पर भी यस बोलेंगे, और इसके प्रीवियस जब इसमें था तो यहां पर भी यस बोलेंगे। ओके, एंड दैट्स डन।